फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो लेट्स टाइम ट्रैवल टू झांसी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मेरठ में 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो कैसे पूरे इंडिया में छोटे छोटे रिबेलियन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि झांसी में इस रिबेलियन का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो लेट्स गो बैक टू मे 1857। उस टाइम पे झांसी के सुपरिटेंडेंट थे कैप्टन अलेक्जेंडर स्कीन, जो कि झांसी पे पिछले 3 साल से रूल कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई भी वहीं पर थी, बट शी वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग एनी पॉलिटिकल और एनी काइंड ऑफ पावर ओवर झांसी। बट क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी, तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि अलेक्जेंडर स्कीन भी उनसे इम्प्रेस थे। तो उन्होंने जब पता चला कि अपराइजिंग हुई है इंडिया में, तो उन्होंने अलेक्जेंडर स्कीन से परमिशन मांगी कि क्या वो वहाँ पे हल्दी कुंकू का समारोह आयोजित करना कर सकती हैं, ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस रहे ब्रिटिशर्स के लिए। तो अलेक्जेंडर स्कीन ने इसकी परमिशन दे दी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक हल्दी कुंकू का समारोह रखा, जिसमें उन्होंने जितनी भी महिलाएं थी सबको बुलाया और उनसे विनती भी की कि अगर कोई झांसी के ऊपर भी ये रिबेल्स जो हैं ये अटैक कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास मेटल है तो अगर वो उसे देंगे तो उसके अगेंस्ट में रानी खुद उन्हें हल्दी कुंकू लगाएगी और कुछ गिफ्ट करेंगी। तो सारी औरतें आई, कोई अपने घर के बर्तन, कोई कोई भी मेटल जो हो, कोई अपनी चूड़ियाँ, सब लाके लोग रानी को देने लगे। और इस चीज़ से सीक्रेटली रानी ने लोगों को ये भी दिखा दिया कि वो उनकी एक्चुअल रानी है और वो उनकी रक्षा करेंगी। तो ये हुआ मई 1857 में। उसके बाद क्या हुआ कि रिबेल्स जो हैं जून 1857 में झांसी आ गए, और झांसी आने के बाद उन्होंने झांसी फोर्ट पे कैप्चर भी कर लिया, उस जगह पे जहाँ पे झांसी का पूरा खजाना रखा हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे निगोशिएट किया। रिबेल्स का क्या इंटेंशन था? उनका इंटेंशन था कि वहाँ का जितना भी धन है, दौलत है, वो लूटना है, और जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनको मार गिराना है, बिकॉज एक रिबेलियन था। इट वॉज अ फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ आर कंट्री। तो रानी ने निगोशिएट किया, उन्होंने बोला ठीक है आप सब ले लो, लेकिन जो यहाँ पे मेरे ब्रिटिशर्स हैं दे आर गुड टू माई पीपल, तो आप इन्हें छोड़ दो, इन्हें नुकसान मत करना। रिबेल्स तो मान गए, उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे खजाने भी ले लिए, और वहाँ पे अराउंड 40 to 60 ब्रिटिशर्स हैं, इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन एंड वाइव्स, सबको मौत के घाट उतार दिया। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट फैल गया, एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो न्यू कि अब ब्रिटिशर्स भी उनकी हेल्प नहीं करेंगी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बिफोर ये जो न्यूज़ है ये आउटब्रेक हो, उन्होंने एक लेटर लिखा ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मिंग द सिचुएशन, और उस टाइम पे उन्हें परमिशन भी मिल गई कि टिल द टाइम एक नया सुपरिटेंडेंट झांसी में अलॉट होता है, शी कैन रूल ऑन झांसी टू टेक केयर ऑफ इट। तो झांसी को अब जाके, इतने सालों में अब जाके उन्हें झांसी को संभालने का मौका मिला, विच वॉज इन जून 1857। तो रानी न्यू कि शी हैज़ टू प्रोटेक्ट हर झांसी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जुलाई 1857 में गंगाधर राव के बहुत दूर के रिलेटिव थे सदाशिव राव, उन्होंने झांसी पे हमला बोल दिया। ठीक है, उनको लगा कि वो अब झांसी पे रूल कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ब्रिटिशर्स बिखरे पड़े हैं, वो खुद अपनी जान बचा रहे हैं, राइट टाइम है, क्योंकि झांसी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ही कैन कैप्चर इट। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी नारी सेना रखी हुई थी, उन्होंने लोगों को ट्रेन किया हुआ था, उन्होंने जो हल्दी कुंकू के के टाइम पे जितने भी मेटल इकट्ठा हुए थे उनके उसके उन्होंने गन्स, कैनन्स और पूरे जितने भी आर्म्स, एम्यूनिशंस हो सकते हैं, सबसे एकदम झांसी को तगड़ा और स्ट्रांग कर दिया था। तो सदाशिव राव को तो हारना था, तो सदाशिव राव कैप्चर हो गए। उसके बाद जुलाई 1857 में झांसी के ऊपर और दो राज्यों ने हमला कर दिया, वो थे ओरछा और दातिया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें भी धूल चटा दी, उन्हें भी बोला कि मेरी झांसी सिर्फ मेरी है, इस पे और कोई रूल नहीं कर सकता, और आंख उठा के मेरी झांसी की तरफ मत देखना। तो ये चीज चलती रही। रानी लक्ष्मीबाई ने एकदम स्ट्रांगली अपने
फोर्ट को, अपने शहर को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। ये हुआ 6 महीनों के लिए। जी हाँ, नाउ जनवरी 1858 में ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, अब चीजें थोड़ी सी अपराइजिंग के बाद सेटल हो रही हैं, हमने इन्हें कुचल दिया है, तो अब आप झांसी जो है वो हमें वापस कर दो, अब हम इस पे फिर से हमारा नया सुपरिटेंडेंट भेज रहे हैं, यू ग्रोस, ये इस पे यू नो ही विल टेक केयर ऑफ झांसी और अब आप स्टेप बैक कर सकती हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो है, जो मैंने आपको बोला था कि उन्हें पता चल गया था ये रिवोल्ट किस लिए था, ये छोटे अपराइजिंग क्यों हो रहे थे, और इन्होंने इस अपराइजिंग को नाम दिया फ्रीडम। उन्होंने पहली बार बोला कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। पूरी कंट्री में आज तक किसी ने नहीं बोला था कि उसे ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई ने एकदम स्ट्रिक्टली बोला कि मेरी झांसी मेरी है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और नहीं ले सकते आप झांसी, आप आओ या जो भी करो, मैं हूं यहां पर। तो मार्च 1858 में ह्यू ग्रोस आया वहां पे, उसने बोला कि क्या ये रानी तो है, जाऊंगा झांसी ले लूंगा, लोगों को मारूंगा और झांसी मेरी हो जाएगी। लेकिन उसकी आंखें तब खुली जब वो एक्चुअली गया और झांसी को देखा। उसने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई ने हर जगह गन्स रखवा दिए थे, हर जगह कैनन्स थे, उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने बहुत सारे नए वॉल्स भी खड़ा कर दिए थे, किले को भी तगड़ा कर दिया था। और दोस्तों ये सब कितने टाइम में हुआ, ये सिर्फ 6 महीने के टाइम में हुआ। एक प्रॉपर लीडरशिप जो होता है उसके अंडर किसी एक रीजन की कितनी तरक्की हो सकती है, वो रीजन कितना स्ट्रांग हो सकता है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल थी। ह्यू ग्रोस जो है वो देखता ही रह गया, बट उसे तो वो करना ही था कि उसे झांसी चाहिए थी, तो उसने झांसी पे फिर से हमला कर दिया। अब जो है झांसी पे लोग ट्रेन 6 महीने में कितने ही होंगे, तो यू नो झांसी की रानी ने तात्या टोपे से भी हेल्प मांगी, तो तात्या टोपे ने भी अपनी 20,000 की सेना जो है ह्यू ग्रोस के आर्मी के साथ लड़ने के लिए झांसी भेज दी। जो ये लड़ाई है ये 2 हफ्तों तक चली, ये बहुत लड़ाई चली। लेकिन कुछ होते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, यही हो गया। रानी लक्ष्मीबाई बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो उस कुर्सी के लिए ना बहुत प्यासे थे, वो कुछ भी कर सकते थे सिर्फ झांसी का राज अपने हाथ में लेने के लिए। उन्होंने कुछ सीक्रेट्स ब्रिटिशर्स को बता दिए और ब्रिटिशर्स को पता लग गया कि वो कौन सी वॉल्स हैं जो अभी उतनी स्ट्रांग नहीं रही, और इस डेटा की वजह से ब्रिटिशर्स ने 4 वॉल्स पे इतने जोर से बमबारी स्टार्ट कर दी कि धीरे धीरे फोर्ट गिरने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स झांसी की गलियों में घुसने लगे, झांसी के शहर में घुस गए, झांसी के फोर्ट में घुस गए, और रानी लक्ष्मीबाई को पता चल गया कि अब मेरी झांसी जो है ये नहीं रहेगी मेरे पास, अब ये टाइम आ गया है कि मुझे अपनी झांसी छोड़ना पड़ेगा, बट सिर्फ इसलिए ताकि मैं वापस आके इसकी सेवा फिर से कर सकूं। रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि वो वहां से निकले या वो अपने लोगों को वहां पे छोड़े, बट उनके जितने भी एडवाइजर्स थे उन्होंने हाईली रेकमेंड किया कि अगर आप अभी नहीं जाएंगी तो झांसी का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पे बांधा, अपने घोड़े बादल पे बैठी और वो एक ऊंची, बहुत ही ऊंची दीवार से कूद गई। ये हुआ 4th या 5th अप्रैल 1858 में, और वो कूदने के बाद उनका जो घोड़ा है वो नहीं बचा, बिकॉज वो जो हाइट है वो बहुत ही बड़ी थी दोस्तों। उसके बाद झांसी की रानी वहां से निकली और वो सीधे जाने लगी कालपी की तरफ, जहां पे उनके बचपन के भाई या दोस्त नाना साहेब और उनके गुरु तात्या टोपे अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये कहानी, जो एक्चुअली झांसी की कहानी है, ये बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी चीज़ जो आपको इसमें अच्छी लगी हो या कोई करेक्शन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और वेट करिए मेरे अगले एपिसोड का, जिसमें मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के आखिरी लड़ाई के बारे में बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।